स्वामी रूपमती। गुफा में आवाज गूंज रही थी। रूपमती को भी डर लगने लगा था। इतनी देर से राजकुमार को ढूंढने की कोशिश में उसके कपड़ों पर जगह जगह गंदगी लगी हुई थी। उसके पूरे बाल चेहरे पर उड़ते हुए आ रहे थे। उसके पांव से खून भी रिस रहा था, लेकिन यशवर्धन को ढूंढने के लिए उसके मन की जो लगन थी वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी। तभी अचानक उन्होंने गुफा पार करके देखा कि वो झील से आगे आ गए हैं। रूपमती ने जब ध्यान दिया तो उस जगह से पैरों के निशान वापस से शुरू हो रहे थे। यशवर्धन को खोजते खोजते वो बहुत दूर आ गए थे और अब उनके आगे एक कुटिया थी, जिसके पास जाते अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। सामने जैसे ही वो कुटिया के अंदर गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसान जो कि अधेड़ उम्र का है, वो रस्सियों से बंधा हुआ एक कोने में पड़ा है। उसे सिकोड़ा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ देखकर रूपमती तुरंत ही अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाकर उस इंसान के पास गई। वो इंसान जमीन पर उल्टा लेटा था और उसका चेहरा जमीन की दिशा में था। रूपमती ने अपने कदम बढ़ाए और उस इंसान के पास जाकर धीरे से बोली, काका। जैसे ही उस इंसान ने यह आवाज सुनी तो उसकी आंखें धीरे धीरे उम्मीद की किरण के साथ खुलने लगी। सामने रूपमती को देखकर वो रूपमती के चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद वो रूपमती को नहीं जानता था। उसने अपने आप को संभालते हुए अपने शरीर की तरफ देखा, जो कि पूरी तरह रस्सियों से जकड़ा हुआ था, और फिर रूपमती को देखा। रूपमती समझ चुकी थी कि वो इंसान रूपमती से इस रस्सी को खोलने की गुहार लगा रहा था। रूपमती ने भी बिल्कुल भी देर नहीं की, उसने तुरंत ही उस रस्सी से उस इंसान को आजाद कर दिया। जैसे ही वो इंसान आजाद हुआ, उसने रूपमती की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने आखिर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। पर काका, आप हैं कौन? आप क्यों इस तरह बंदी बने हुए हैं? किसने आपके साथ ये सब किया है? आपकी ये हालत किसने की है? उस बूढ़े आदमी ने रूपमती की तरफ देखा और रूपमती से कुछ सवाल कर पाता तभी रूपमती ने दोबारा से सामने से सवाल करते हुए कहा, काका, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। बेटा, मैं अपने काम से वापस लौट रहा था। मैं खेतों से लौट कर अपने गांव की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ नकाब पोश जिन्होंने काला कपड़ा अपने पूरे शरीर पर ढका हुआ था, वो एक भले मनुष्य को अपने साथ लेकर कहीं जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। वो मनुष्य उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वे सैनिक थे कि उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उस भले मनुष्य की मदद करने के लिए आगे आया, पर जब मैं आगे आया तो उन सैनिकों ने मुझे ही काफी चोटिल कर दिया और मुझे यहाँ बांध कर उस मनुष्य को लेकर चले गए। रूपमती ने जैसे इन बूढ़े काका के मुंह से किसी मनुष्य की बात सुनी और ये सुना कि किसी मनुष्य को लेकर कुछ सिपाही गए हैं, तो उसे तुरंत ख्याल आया कि हो ना हो ये यशवर्धन ही है। उसने तुरंत काका की तरफ देखते हुए कहा, तो काका, क्या उस इंसान ने, मेरा मतलब उस भले मनुष्य ने, पीले रंग का कुर्ता और नीली धोती पहनी हुई थी? हाँ हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ पहना हुआ था उसने। पर तुम उस इंसान को जानती हो क्या? तुम एक बात बताओ, तुम इस समय जंगल में क्या कर रही हो? रूपमती को इस तरह अकेला देखकर उस इंसान को अभी अभी ख्याल आया कि उसे रूपमती से सवाल करना चाहिए। इस सवाल पर रूपमती ने सामने की दिशा में देखते हुए जवाब दिया, जिस भले मनुष्य को आपने बचाने की कोशिश की थी, मैं उसी भले मनुष्य को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सैनिक उस भले मनुष्य को लेकर कहाँ गए थे? मेरा मतलब जिस भले मनुष्य की आपने मदद की है, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार यशवर्धन थे। रूपमती के मुंह से इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर उस बूढ़े काका ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, क्या कहा तुमने? राजकुमार यशवर्धन? हमारे राजकुमार यशवर्धन? हाँ, हमारे राजकुमार, वे वही थे। वे सादे कपड़ों में यहाँ वहाँ दौरा कर इतना पता करना चाह रहे थे कि क्या आसपास कुछ परेशानियां हैं और लोगों के बीच किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और वे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए वे इस तरह आम इंसान के बीच में घूम रहे थे। लेकिन पता नहीं दुश्मनों को कहां से पता चल गया और उन्होंने, खैर ये सब छोड़िए,
अब बताइए कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे सैनिक उसे कहां लेकर गए? हाँ बेटा, सामने की दिशा में वो टीला दिख रहा है ना, उस टीले की सीध में ऊपर चढ़ाई करोगी तो चढ़ाई के बाद तुम्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। पहाड़ी के अंत पर तुम्हें एक छोर मिलेगा और उस छोर से तुम्हें एक राजमहल दिखाई देगा। वो राजमहल है जहाँ वे सैनिक उसे लेकर गए हैं। पर वो राजमहल किसका है? रूपमती ने सवाल करते हुए कहा। तो बूढ़े काका अपनी आंखों को सामान्य करते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोले, बस इतना मत पूछना बेटा, लेकिन हाँ, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वो इंसान जो उस राजगद्दी पर बैठता है उसे इंसान नहीं जल्लाद कहा जाता है, इसलिए अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद ही वहां जाना। मेरी बात मानो तो वहां तुम जाओ ही मत। नहीं काका, मुझे वहां जाना होगा, रूपमती ने इतना कहा और वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। हवा की तरह गायब होती रूपमती वहां से पूरी तरह निकल चुकी थी और उस पहाड़ी की चोटी में बिल्कुल सीधी चली जा रही थी जो रास्ता उसे काका ने बताया था। बूढ़े काका के रास्ते पर चलते हुए रूपमती लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी परेशानियों का सामना करते करते वो पहाड़ी के अंत पर पहुंच गई। उस पहाड़ी के अंत पर पहुंचने पर उसे एक सुनहरा महल दिखाई दिया। दूर से वो महल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सोने का महल हो। उस महल को देखकर रूपमती की आंखें चौंधी आ गई। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर धीरे से बोली, क्या देख रही हूं मैं, सोने का महल? ऐसा कुछ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हमारे राज्य से लगी हुई सीमा है ये, लेकिन यहाँ पर इस महल के होने की ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। फिर भी मुझे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है राजकुमार वहीं कहीं हो और मैं उनकी मदद कर पाऊं, जिस वजह राजकुमार किसी मुसीबत में फंस जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे वहां जाना ही होगा, रूपमती ने निर्णय लिया और उस महल की तरफ जाने के लिए सीधी चोटी नीचे उतर कर उस राजमहल की तरफ निकल गई। महल की तरफ जाते हुए उसके मन में बहुत से सवाल थे, कई बार उसके कदम भारी पड़ गए थे। हालांकि उस महल में जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। वहां पता नहीं कैसे कैसे गीदड़ और शेर बैठे होंगे उसे नोच कर खाने के लिए, लेकिन उसे राजकुमार यशवर्धन को बचा कर लाना था और ये आखिरी उम्मीद उसके लिए बस यही थी कि राजकुमार यशवर्धन को बचा कर लाने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि वो सामने जाकर लड़ाई करे और उन लोगों से यशवर्धन को छुड़ा कर ले जा सके। राजकुमारी रूपमती तुरंत ही अपने कदमों को तेज कर सामने की दिशा में लगातार बढ़ती रही। जाते जाते अचानक वो महल के आसपास पहुंच गई। महल के पास पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ देखा तो इस महल के चारों तरफ सेना ही सेना तैनात थी। हर जगह एक सिपाही खड़ा था। इन सिपाही को देखते हुए रूपमती समझ चुकी थी कि महल के अंदर जाना तो शायद बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन उसे पता था कि राजकुमार यशवर्धन को बचाने के लिए उसे ये कदम उठाना ही होगा। रूपमती ने तुरंत एक सिपाही को देखा और फिर अपने साड़ी के पल्लू से कुछ छोटे छोटे पत्थर निकाले और उन पत्थरों को सामने की दिशा में फेंकती रही। जैसे जैसे उसने पत्थर फेंके, वे सैनिक अपनी जगह हटकर वहां देखने के लिए जाने लगे कि क्या वहां पर कोई इंसान है। और तभी रूपमती मौका पाकर मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो वो हैरान रह गई। महल के अंदर सीधी दिशा में चलती रूपमती अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पूरा महल सोने से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस महल को बनाने में जाने कितने ही अरबों का सोना खर्च किया गया हो। रूपमती आगे बढ़ी और खुद को संभालते हुए उसने इस बात से ध्यान हटाया कि उसे महल से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसके लिए ये महल सोना चांदी कुछ मायने नहीं रखता था। वो यहां केवल यशवर्धन को बचाने के लिए आई थी, तो यशवर्धन को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। आसपास देखकर वो ये जानने की कोशिश में लग गई कि कहीं यशवर्धन आसपास तो नहीं। हालांकि उसने दासियों की तरह कपड़े पहने थे जिस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था और किसी को पता ही नहीं चला था कि दासी के बीच मौजूद ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रूपमती है। कुछ दासियों के साथ घुलती मिलती रूपमती पहले तो कामों में उलझी रही और फिर वो इस मौके में लग गई कि कैसे उसे यशवर्धन के बारे में कुछ पता चले। शाम को जब दरबार लगा तो रूपमती भी दासियों के साथ मौजूद हुई।
उस दरबार में जब वो गई तो उसने देखा कि उस सिंहासन पर बैठा हुआ इंसान सच में इंसान कहलाने लायक नहीं था। वो अधेड़ उम्र का इंसान बहुत ही क्रूर और बहुत ही निर्लज्ज नजर आ रहा था। उसके सामने बहुत सारी दासियां नृत्य कर रही थी और वहीं बगल में कुछ रानियां बैठी थी। वो सब रानियां उसकी उम्र में आधी से भी आधी थी। वे रानियां ऐसी लग रही थी जैसे कि उसकी बेटी की उम्र की हो, और उन रानियों के साथ बैठा हुआ इंसान बहुत ही मजे से मदिरा पान कर इस नृत्य का आनंद ले रहा था। वही जो रानियां राजा के बगल में बैठी थी, उन सब के चेहरे इस तरह लटके हुए थे जैसे महाराज के होने से और ना होने से उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। रूपमती ने यह सब भांप लिया था। सब समझकर वो वहां से वापस निकल आई और फिर यशवर्धन को ढूंढने के लिए एक काल कोठरी की तरफ जाने लगी। उसे पता था कि यहां से उसका निकलना और उसका इस तरह यहां वहां घूमना जोखिम भरा है, इसलिए उसने ये जोखिम रात के समय उठाया। रात के अंधेरे में वो काल कोठरी की तरफ निकली। उससे लगा कि जब वो सिपाही यशवर्धन को उठाकर लाए थे और उन्होंने इस तरह उससे जबरदस्ती की थी तो जरूर उन्होंने उसे काल कोठरी में डाला होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ी और काल कोठरी के दरवाजे पर गई। पर वो जैसे ही काल कोठरी के दरवाजे पर गई तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर ऐसा क्या देखा था उन्होंने कोठरी के बाहर, और क्या राजकुमार यशवर्धन यही मौजूद थे? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।